देखिए पड़ेगा मुमरा तो पड़ेगा मुमरा। आज जो है हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है वो हवा हवाई है, उसको समझने के लिए शिक्षित होना जरूरी, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी। मुमरा कौशल में विकास के नाम पे लोगों ने बहुत माल बेचा लेकिन विकास तो हुआ नहीं, तो इसीलिए विकास को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जब तक पढ़ेगा नहीं मुमरा तो बढ़ेगा मुमरा कैसा, इसीलिए हम लोग टारगेट रखा है हमारे नजीब भाई के नेतृत्व में। आज हम लोगों ने कॉपी किताब जो है बांटा है पूरे मराठी स्कूल इंग्लिश मीडियम जो मोबरा बाजार का एरिया जहांगीर स्थानिक नगर सेवक विश्वनाथ भगत इनके साथ हम लोगों ने मिलकर आज नोटबुक तमाम बच्चों को बांटा है। तो हमारा मैसेज यही है कि पढ़ना चाहिए हर बच्चे को, पढ़ने के लिए कॉपी किताब बहुत जरूरी है, जिसको आज हमने बांटा। विश्वनाथ भगत साहब के जानकारी में ये बात जैसे आई कि यहाँ पर 8 दरवाजे टूटे हुए हैं शौचालय के, तो फौरन इम्प्लीमेंट हुआ। अभी चौरे साहब को बुलाकर इन्होंने फौरन करवा के वो दरवाजे के लिए कहा है, इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर वो दरवाजे लग जाएंगे। और पानी का प्रॉब्लम था तो इन्होंने खुद ही अभी भी पानी के लिए भी उन बात कर लिया है, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द सॉल्व हो। म्हणजे आज पर्यंत है ना आज वया वाटप असं कोणी केलंच नव्हतं आणि ते केलंय नजीब मुन्ना साहेबांनी आणि ते सर्वात म्हणजे चांगली सुरुवात आहे वया वाटप करण्याची। आणि त्यांचा म्हणजे स्टुडंट पासून जसं आपण स्टुडंट स्टुडंटचे पेरेंट्स वगैरे असतात तर स्टुडंटला आपण वही वाटप करतो म्हणजे पेरेंट्स पर्यंत त्यांचा मेसेज पोहोचतोय की आम्ही तुमच्या सोबत आहे। कैसा लगता है बाकी बच्चों को, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है, बचपन की दिन याद आ रहे हैं।